तो हेलो गाइस, की हाल चाल बड़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं भाई GTA 5। तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा होगा कि भाई हम कार चोरी करके लाए थे यहाँ के प्रेसिडेंट की, जो कि थी भाई मर्सिडीज बैंस की लिमोजीन। तो गाइस उस कार को भाई चोरी करके मैं ले तो आया था लास्ट टाइम, और वो कार मैंने भाई अपने गैराज में भी खड़ी कर ली है लाके। बट गाइस लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई उस कार में लगा हुआ था GPS ट्रैकर, तो भाई जिस वजह से पुलिस ने वो कार इस एरिया में भाई ट्रैक कर लिया। और अभी मेरे को उड़ती उड़ती खबर मिली है कि भाई इस एरिया में मतलब नाकाबंदी भी ऐसा सब चल रहा है, और सब इधर के सारे लोगों के घरों में चेकिंग चल रही है। तो गाइस अभी हम यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं भाई कि क्या कैसा सीन है, और जल्द से जल्द भाई कोशिश करते हैं यहाँ से इस कार को निकालने की। एक बार ये कार भाई बैली मोटर वर्कशॉप पे पहुँच जाए फिर उसके बाद तो भाई यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती अपना, क्योंकि बिकॉज इसमें भाई जो GPS ट्रैकर लगाया है वो हम जल्दी से जल्द हटवा देंगे वहाँ जाके। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से यहाँ से बाहर और देखते हैं क्या है। तो गाइस बाकी मैंने यहाँ पे अपना फेस पूरा कवर कर रखा है ऐसा एकदम मास्क लगा के, बट अभी फिलहाल फिर भी आके देखते हैं। ओ गाइस तो आप देख सकते हो भाई कि हर जगह पे ऐसा नाकाबंदी, और इधर एक पुलिस वाला खड़ा है। तो अभी अभी वो कार मतलब इस एरिया में फाउंड की गई है, बट एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता लगी कि वो कार है कौन सी जगह पे। तो यहाँ पे सारी एरिया में मतलब अभी चेकिंग चल रही है ऐसा कि, और भाई इधर एक पुलिस वाला खड़ा है। तो अभी ज़्यादा देर हम रुकने वाले नहीं है इधर, क्योंकि भाई अगर हम रुक के देखेंगे तो इसको डाउट हो सकता है कि भाई ये बंदा। और इधर भी भाई पूरा पुलिस पुलिस ने भाई सब एकदम बैरिगेटिंग वगैरह लगा रखी है, चेकिंग चल रही है भाई। तो अभी देखते हैं अगर हमें अपनी कार को निकालने का यहाँ से कोई रास्ता वगैरह मिलता है या नहीं। तो गाइस मेरे को लग रहा है मेरी एरिया के जितने भी बाहर जाने के रास्ते हैं ना वो सारे ही आई थिंक से ब्लॉक कर रखे हैं। वो गाइस तो सामने भी जैसे देख सकते हो पुलिस खड़ी है, और मेरे को लग रहा है इधर भी सब चेकिंग वैकिंग चल रही है दबा के खूब। तो भाई अभी लग रहा है यहाँ से कार निकालना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। वो तो ये भी हमारा मेन रोड है, तो ये भी ब्लॉक कर रखा है ऐसा पुलिस वालों ने। तो पीछे की तरफ से गाइस एक रास्ता है, हम उसको भी जाके देखते हैं। ओके तो इधर भी एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि यार आज कुछ पंगा ना हो जाए, बिकॉज भाई सब तरफ से इन्हें एकदम नाकाबंदी कर रखी है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और बाकी भाई चेकिंग तो चल ही रही है अपने एरिया में। अगर भाई हमारी कार वहाँ पकड़ी जाती है तो गाइस अपने को सीधा जेल होने वाली है आज। तो भाई ये वाला भी रास्ता ब्लॉक कर रखा है इन्हें, और इधर की साइड भी एक पुलिस वाला खड़ा है। तो गाइस अभी भाई मेरे को नहीं लगता हम किधर से निकालेंगे। ओके गाइस इस एरिया में मेरे को लगता है हम इधर से निकल सकते हैं। तो अभी इधर से देखते हैं गाइस कि अपनी कार इधर से बाहर निकल सकती है या नहीं। ओ नहीं शिट शिट, इधर भी भाई एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। तो यार अभी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है भाई, कैसे भी करके हमें वो गाड़ी यहाँ से निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो भाई हमारे घर पर पकड़ी जाती है तब भी हम पकड़े तो जाने वाले हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि भाई बिना पकड़े वो कार यहाँ से बाहर निकल जाए बस एक बार, बस कैसे भी करके वो बैनी मोटर वर्कशॉप पे पहुंच जाए भाई। उसके बाद तो भाई इनके बाप भी अपनी कार को नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम GPS ट्रैकर ही निकाल देंगे। तो ओके गाइस भाई अभी मेरे को लग रहा है कि हम पकड़े जाने वाले हैं भाई, हर जगह मतलब हर तरफ इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ओके तो ये एक रास्ता है, बट यार बिल्कुल ठीक सामने पुलिस वाला खड़ा है भाई, और इधर लोग भी, और ये भी रास्ता ब्लॉक है यार। तो आज तो बेटर लग रहा है अपना काम खत्म होने वाला है यहाँ पे। तो भाई अभी देखते हैं निकलते हैं कैसे भी करके। अब भाई कार यहाँ से निकालनी तो है कुछ भी करके, क्योंकि भाई अगर नहीं निकालेंगे तब भी हम पकड़े जाने वाले हैं। और वैसे भी भाई हम आज लग रहा है कि अपने भाई फ्रैंकलिन को आज जेल होने ही वाली है, मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है। तो भाई कैसे भी करके यहाँ से कोशिश करते हैं इस गाड़ी को यहाँ से निकालने की। बाकी यार ये मेरे को लग रहा है ये माफिया माफिया बॉस के पास अगर ये कार डिलीवर नहीं हुई तब भी भाई पंगा होने वाला है। तो ओके गाइस अभी भाई लास्ट टाइम हम इसका इंटीरियर वगैरह हमने नहीं देखा था अंदर से, तो अंदर से इंटीरियर भी देख लेते हैं। ओके भाई काफ़ी सही कार है यार, फुल एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ है इसमें। तो भाई अभी कोशिश करते हैं यहाँ से निकालने की फटाफट से। ओ भाई सामने पुलिस वाला खड़ा है, और इधर भी रास्ते में पुलिस वाले खड़े हैं। यार किधर से निकालूं भाई, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है।
तो भाई कोशिश करते हैं यार, कहीं से देखते हैं यार। मेरे को एक बार लग रहा है पैदल जाके देखना पड़ेगा यार। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है बिकॉज यार हर तरफ से भाई इन्होंने ब्लॉकिंग कर रखी है। और गाइस मैं यही सोच रहा था कि भाई लास्ट टाइम मैं इसको अगर कहीं और पार्क कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट यार क्या करे भाई, अभी गलती हो गई हमसे तो उस गलती को भाई सुधारते हैं कैसे भी करके। फटाफट से अभी इस गाड़ी को निकालते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं भाई सीधा बैनी मोटर वर्कशॉप है। अब जो होगा भाई देखा जाएगा। ओ भाई, ओ गाइस, तो भाई पुलिस वालों ने भाई ये कार डिटेक्ट कर लिए और शिट यार, शिट शिट शिट, सामने भी पुलिस खड़ी है भाई। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके पकड़े जाए भाई आज हम गाइस, अगर आज हम पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई चॉपर ऊपर आ गया, शिट गाइस, अभी तो लग रहा है भाई यहाँ से निकलना मुश्किल है भाई। ओ गोलियाँ पड़ने लगी गाइस अपने, शिट 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 शिट, ओ भाई, ओ पुलिस अपने पीछे पड़ चुकी है गाइस यार। अभी कैसे भी करके मेरे को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, शिट 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 शिट। तो ओके गाइस, अभी भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा गाड़ी भाई दे ही देते हैं इनको, क्योंकि यार पुलिस काफ़ी पीछे पड़ी हुई है और भाई पूरा यार, क्योंकि भाई अभी ये भाई प्राइम मिनिस्टर की कार है, मतलब ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं मेरे को। तो गाइस मैं अभी क्या सोच रहा हूँ भाई, इनको कार भाई दे ही देता हूँ और अपने आप को भाई सरेंडर कर ही देता हूँ ऐसा। तो ओके भाई मैं अभी सीधा भाई अपने आप को सरेंडर कर दिया हूँ यार, बाकी का गाइस देखते हैं भाई अपना क्या कैसा होता है वो। तो भाई अभी हम चलते हैं भाई, सीधा पकड़े गए गाइस और ये कार हमारी खड़ी है भाई ऐसा। तो भाई मैंने अपने आप को सरेंडर इसलिए करा क्योंकि गाइस ये ना यहाँ के भाई प्राइम मिनिस्टर की कार है ऐसा, तो भाई मतलब पकड़े तो जाने थे ही भाई, क्योंकि और ये इतनी आसानी से अपना पीछा नहीं छोड़ते तो मतलब समझ सकते हो ना भाई, आसानी से पीछा नहीं छोड़ते तो यार पकड़ने वाले तो थे ही हम बिकॉज यहाँ पे। ओ भाई तो ये क्या ऐसा रूल वूल फॉलो करके ले जाएगा क्या हमें वहाँ तक? भाई प्रेसिडेंट की कार चोरी करी थी गाइस हमने, तो भाई मामूली बात नहीं है। और ये भाई पुलिस वाले भी इतने हरामी टाइप के हैं ना भाई कि बिना कार लिए हमें छोड़ते नहीं भाई, या तो हम मारे जाते वहाँ पे या फिर ये कार लेके ही मानते। तो गाइस हमने कार इनको देना ज़्यादा प्रेफर करा, मतलब क्योंकि भाई जान है तो जान है, मतलब जान होगी तो भाई वो कार हम फिर से चोरी कर लेंगे और भाई अगर मर गए तो फिर क्या ही करेंगे, इसलिए भाई मैंने वो कार इनको मतलब दे दी है। तो अभी फटाफट से भाई मेरे को आई थिंक ये पता नहीं कौन सी जेल में डालने वाले हैं, तो भाई मेरे को माइकल से भाई कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब माइकल या ट्रेवर ही अपनी जान बचा सकते भाई अगर, क्योंकि अभी मेरे को तो लगता नहीं है जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं सीधे फटाफट से देखता हूँ आगे ये कहाँ पे लेके जाता है मेरे को। ओ भाई, तो गाइस इसने भाई मेरे को यहाँ के लॉस सैंटोस की जो मेन सेंट्रल जेल है भाई उसमें ले आकर सीधा ऐसा लग रहा है पटकने वाला है मेरे को। और भाई ओ इनने भाई तोड़ दिया उस गेट का, मतलब कोई औकात ही नहीं है भाई। तो गाइस अभी भाई हम आ चुके हैं इस वाली जेल में और अब आगे भाई हमारे साथ क्या होगा ये तो भाई ऊपर वाला ही जानता है। तो बाकी भाई हमने चोरी भी करी थी यार, तो उस चक्कर में थोड़ा पुलिस भी लग रहा था मेरे को। तो ओके गाइस, तो अभी हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई, अपने आप ही जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ गाइस। अब पता नहीं भाई क्या होगा हमारे साथ और भाई कैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और पता नहीं कितने टाइम तक भाई हम इस जेल के अंदर रहने वाले हैं। ओके तो गाइस अभी हम भाई सीधा जेल वेल वाले कपड़े पहन लिए हमने और खून मून लगाया, बट गाइस इन्होंने जो मास्क हमारा लगा था वो अभी भी नहीं हटाया है, तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ से निकलने में, क्योंकि गाइस इन्हें नहीं पता है कि भाई ये बंदा मैं हूँ कौन। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये सब चेक नहीं करा भाई, इतनी लापरवाही ये कैसे कर सकते हैं मेरे को नहीं पता। और बाकी भाई हम इस चार दीवारी के अंदर भाई अब कैद हो चुके हैं और पता नहीं यहाँ से मतलब कैसे निकलेंगे। तो भाई यहाँ सब ऐसे गुंडागर्दी वाले लोग पड़े हैं भाई, सब पता नहीं कौन कौन से मैट्रिक में आए होंगे यहाँ अंदर, पता नहीं भाई। हम तो फिलहाल चोरी के उसमें आए हैं, तो भाई लोगों को अपना मतलब खौफ नहीं होगा इधर, क्योंकि भाई
चोर चक्कू का ज्यादा डर नहीं होता है। और भाई जिसने मर्डर करा हुआ ना इधर, उस वो तो भाई यहाँ का बॉस होगा आई थिंक, मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि भाई उससे सब लोग डरते होंगे इधर जेल के अंदर। तो भाई मेरे को तो लगता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीले लगी हुई है, और इधर से अगर हम उस पार भाई कूदेंगे तो आई थिंक शायद हम भाई निकल सकते हैं। ओके ओके ओके, ओ भाई अलार्म बज रहा है आई थिंक। ओ भाई पुलिस वाला खड़ा है, इधर नहीं आ सकते हम भाई, ये सुताई लगा देगा अपनी भाई, कूद देगा पकड़ के। अभी वेपन भी नहीं है हमारे पास, सारे वेपन छिन चुके हैं। तो भाई अभी देखते हैं गाइस अभी क्या करना है, आगे का प्लान सोचते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भाई, और मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।